पास है स्नोकर आई रॉकर कॉर्ड्स TWS ब्लूटूथ ईयरफोन। इसमें आपको मिलता है गेमिंग मोड, इंटेलिजेंट टच कंट्रोल, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 13mm का ऑडियो डायनामिक ड्राइवर, साथ ही साथ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस कॉर्ड्स के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस स्नोकर आई रॉकर कॉर्ड्स का। मेरा नाम है कैलाश पालीवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे MK टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आइए चले करते हैं फटाफट से इसको अनबॉक्स और देख लेते हैं कि बॉक्स के पीछे आपको क्या क्या कंटेंट मिल जाते हैं। तो बॉक्स के पीछे जैसा लिखा है कि आपको इसके अंदर 13mm का डायनामिक ड्राइवर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे बेस देने वाला है। साथ ही साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको मिल जाता है, यानी फास्ट यहाँ पर ये कनेक्ट होने वाला है आपके फ़ोन को। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलती है 500mAh की बैटरी और 35mAh की जो ईयरबड्स है इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाती है। अल्ट्रा यहाँ पर गेमिंग मोड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे IPX5 का यानी यहाँ पे वाटरप्रूफ भी आपको मिलता है, टच कंट्रोल आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आपको लाइट वेट मिलने वाला है, यानी जब भी आप अपने कानों में इसको पहनने वाला है तो बिल्कुल आपको जो पेन फील होता है ईयरबड्स या हेडफोन पहन के, वो आपको इसके साथ नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले मिलने वाला है यहाँ पे ईयरफोन का बॉक्स, और आपको इसके अंदर दो ईयरफोन्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक चार्जिंग कोड मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक आपको मैनुअल इसके अंदर मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लूटूथ की बताई गई है। तो चले गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं इस बॉक्स के बिल्ड क्वालिटी की, ईयरबड्स के बिल्ड क्वालिटी। तो आपको बता दो कि ये जो बॉक्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसके अगर बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर इसको बिल्ड किया गया है, यानी बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो चले गाइस अब बात करते हैं डिज़ाइन और लुक की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉक्स की। तो बॉक्स यहाँ पे देखेंगे बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा सा इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इसको आराम से अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स का लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आपको बता दूँ स्नोकर ने इससे पहले एक डिवाइस लॉन्च किया था कि जो कि था स्नोकर स्टिक, उससे भी प्यारा डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको स्नोकर गॉड्स के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस स्नोकर गॉड्स के अंदर आपको मिलता है ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन, यानी ब्लूटूथ 5 वर्जन आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसका मीनिंग आपके फ़ोन के साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं ये ईयरबड्स। तो फटाफट से कर लेते हैं इसका टेस्टिंग। तो गाइज अब यहाँ पे करते हैं इसका साउंड टेस्टिंग, और साथ ही साथ करने वाला है टेस्टिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि आप जब भी अपने ईयरबड्स को या फिर ईयरफोन को अपने कानों में लगाते हैं तो क्या वो गिर जाते हैं या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कानों को कनेक्ट कर दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको गिराने की, लेकिन फिर भी ये यहाँ से नहीं गिर पा रहे, यानी आपके कान में ये स्नोकर गॉड्स बहुत ही अच्छे यहाँ पर फिट होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके साउंड क्वालिटी की, तो आपको बता दो कि आपको इसके अंदर मिलता है 13mm का ऑडियो साउंड ड्राइवर, यानी जो बेस है वो बहुत ही क्लीन होने वाला है, जो ऑडियो क्वालिटी है यहाँ पे बहुत ही अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमने इसका टेस्टिंग किया है कॉलिंग के साथ, तो कॉलिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि छोटे होने के बाद भी आपकी आवाज़ आराम से पहुँच पाती है सामने जिसको भी आप कॉल करते हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि इस ईयरबड्स के अंदर आपको यहाँ पे टच कंट्रोलर मिलता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसके टच कंट्रोलर का टेस्टिंग और देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर गेम खेलना पसंद है तो आपको स्नोकर गॉड्स एक बार ट्राई करना चाहिए। आपको इसके अंदर एक अलग से गेमिंग मोड मिल जाता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर बना देता है।
तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम की। तो आपको बता दूँ, इस कैशर के अंदर आपको 500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 5 बार आपकी ईयरबड्स को चार्ज करेगी, और साथ ही साथ एक बार चार्ज होने के बाद 4 घंटे का प्लेबैक आपको इस ईयरबड्स के अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर चार्जिंग टाइम की अगर इसके साथ बात करें तो 1 घंटे के अंदर आपके ईयरबड्स आराम से चार्ज हो जाते हैं इस कैशर के साथ, और साथ ही साथ इस कैशर को पूरा चार्ज होने के लिए 2 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। तो गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस क्या होने वाली है स्नोकर गॉड्स की, तो आपको बता दूं, मैं ये वीडियो इसके लॉन्चिंग से पहले ही शूट कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली प्राइस का आइडिया मुझे भी नहीं है, लेकिन शायद इसको देख के लगता है कि ये 1500 से 1800 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, बात करते हैं मेरे फाइनल कंक्लूजन की। तो मुझे ये स्नोकर गॉड कैसे लगे हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि पर्सनली इसके अंदर आपको मिलता है गेमिंग मोड, इंटेलिजेंट टच भी जो आपके टच सेंसिटिव बटन है वो बहुत ही प्यारे काम करते हैं, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिलता है 5.0, बैटरी और चार्जिंग टाइम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती है। साथ ही साथ सबसे जो प्यारा मुझे लगा है वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बेहतर आपको मिलने वाली है, बहुत ही प्यारी आपको मिलने वाली है, तो डेफिनेटली आपको स्नोकर गॉड के साथ जाना चाहिए। तो गाइस, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये स्नोकर गॉड का रिव्यू और अनबॉक्सिंग कैसा लगा, और आपको स्नोकर गॉड्स में क्या ज़्यादा पसंद आया मुझे बताएं आप नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपको क्या करना है, आपको करना है हमारे चैनल सब्सक्राइब, बेल का आइकॉन भी क्लिक कर लेना, और मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो यार एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है। तब तक के लिए फटाफट से करें चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकॉन भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।